बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ सेड एंड टोल्ड इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सेड कहाँ पे लगाते हैं और टोल्ड कहाँ पे लगाते हैं, इसका जो डिफरेंस है वो आपने पहला नंबर जो है वो आपने याद रखना है कि जब टोल्ड आता है उसके बाद टू नहीं आना, ठीक है। ही टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, दे टोल्ड मी, यू टोल्ड मी, ठीक है। तो टोल्ड के बाद टू नहीं आता, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नंबर टू पॉइंट आपने समझना है कि जब हमें ये पता हो व्हेन वी आर कंफर्म दैट इन रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच कौन सा आता है, जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले होता है। व्हेन वी आर कंफर्म दैट इन रिपोर्टेड स्पीच द सब्जेक्ट इज टॉकिंग टू होम, सब्जेक्ट किस से बात कर रहा है, जब क्लियर हो तो देन वी यूज टोल्ड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। इसमें आप ये देखें कि जैसे ही सेड टू मी इसमें हमें ये पता चल गया कि सेड टू मी का मतलब यह है कि वो किससे बात कर रहा है, वो इससे मी मुझसे बात कर रहा है। यू आर अ लेजी बॉय, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये क्लियर है कि वो इससे बात कर रहा है, ठीक है। ही सेड टू मी, तो इसका जब करेंगे इनडायरेक्ट में तो हम कहेंगे ही told me that I was a lazy boy, तो set to को हम change कर देंगे told में। इसी तरह से he said to the stranger I do not recognize you, I do not recognize you। हमें ये पता है कि ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये किससे बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्ट्रेंजर से। तो हम क्या इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे, ही टोल्ड द स्ट्रेंजर, हमें बताया कि टोल्ड के बाद टू नहीं आता, ही टोल्ड द स्ट्रेंजर that he did not recognize him, he told the stranger that he did not recognize him। इसी तरह से the teacher said to Moin I have taught you and your sister, टीचर किससे बात कर रहा है, we are कन्फर्म, वी आर क्लियर कि टीचर मोइन से ही बात कर रहा है, तो उसका इनडायरेक्ट होगा द टीचर टोल्ड मोइन दैट ही हैड टॉट हिम एंड हिज सिस्टर, ठीक है। अब
टोल्ड हम कहाँ पे नहीं लगाएंगे? व्हेन वी आर नॉट कन्फर्म दैट इन रिपोर्टेड स्पीच द सब्जेक्ट इज टॉकिंग टू होम, ठीक है, तो वी यूज सेड, हम टोल्ड नहीं लगाएंगे। कैसे? शी सेड आई डो नॉट अग्री विद यू और मैंने ये जो सब्जेक्ट है हमें नहीं पता ये किससे बात कर रही है। ये शी सेड टू मी भी हो सकता है, शी सेड टू देम भी हो सकता है, शी सेड टू हर भी हो सकता है, शी सेड टू हिम भी हो सकता है, बट नथिंग इज मेंशन्ड, सो इट इज़ नॉट क्लियर टू होम शी इज़ टॉकिंग टू होम शी इज़ एड्रेसिंग टू। तो इन दिस केस विल बी सेइंग शी सेड दैट शी डिड नॉट अग्री विथ हिम, ठीक है। तो इसमें हमने टोल्ड हमने नहीं लगाया, ठीक है। अब इसी तरह से शी सेड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल, शी सेड दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि रूल तो यही है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। शी सेड आई डू नॉट अग्री विद यू, शी सेड शी डू नॉट अग्री विद हिम, ठीक है। तो शी सेड आई एम नॉट अ थीफ, शी सेड ही वॉज नॉट अ थीफ। अब शी सेड आई एम नॉट अ थीफ, हमें ये नहीं पता ये किससे बात कर रही हूँ, कहेंगे शी सेड दैट शी वॉज नॉट अ थीफ, ठीक है। ये एक जनरल रूल है, ठीक है, जो हमने आपको बताया कि सेड किधर आएगा और टोल्ड किधर आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी बुक में जितने भी एग्जांपल्स सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ एक जगह पे उन्होंने पेज नंबर 172 पे किया है, शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड, इसको उन्होंने किया शी टोल्ड दैट शी वाज वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो अगर तो आपकी बुक को फॉलो करें तो वो कोई इतना जना वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे सेड में और टोल्ड में, लेकिन आप देखेंगे कि जो हमने आपको रूल बताया है वो आप देखें तो जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है ना सेट टू मी, सेट टू मुइन, ठीक है, तो उसमें सेट टू द स्ट्रेंजर, तो उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने उसको टोल्ड में चेंज कर दिया है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें क्लियर है कि वो किससे बात कर रहा है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो किससे बात कर रहा है, ठीक है। तो जनरल रूल यही है जो हमने बता दिया है, ठीक है।